मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। तो सभी को फिर से हैप्पी नवरात्रि। ये दूसरा नवरात्र है, लेकिन इस साल कुछ दिया नहीं है, बस ऐसे ही कुछ आसोसूद ऐसा लिखा है बीज यानी। और गुजराती कैलेंडर की एक अच्छी बात होती है कि उसमें बढ़िया बढ़िया सुविचार रहते हैं। तो उसमें भी ये कुछ लिखा हुआ था कि यौवन है वो संयम और सौंदर्य सिल से बनता है। तो बेस्ट गुजराती सुविचार है ये। और अभी थोड़ा बहुत किचन का काम है तो वो थोड़ा निपटा लेती हूँ, फिर बाद में कुछ और करती हूँ, क्योंकि फ्रिज कई दिनों से नहीं साफ किया है। तो अभी ये कर लेती हूँ और फिर बाद में देखते हैं। अभी मैं फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ। पहले तो ये मैंने लिक्विड वाले जो पोता बनाया था उससे साफ़ कर रही हूँ, फिर बाद में वो जो होता है सॉफ्ट वाला पोछा उससे मैं साफ़ करूँगी। लेकिन ये क्या है ना कि हर कोई बताता नहीं है कि कितनी गंदगी फ्रिज में भी जमी रहती है। और आजकल हमारे यहाँ लाइट भी बहुत ज़्यादा रही थी तो बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था फ्रिज में। तो कभी कभी आए जाए तो आपको पता है कि लाइट आती जाती रहती है तो पानी बहुत सारा निकलता है और उसकी वजह से गंदगी भी जम जाती है। वैसे क्लीन रहता है पर अच्छा नहीं लगता, वो चिपक चिपक सा जाता है। तो मैंने सोचा कि चलिए आज बहुत ही डीप क्लीन फ्रिज को भी बना देती हूँ, क्योंकि आज थोड़े मेरे पास टाइम था तो मैंने ये सब साफ़ करना दिखा दिया आपको। और वैसे भी मैं वीक में एक बार तो करती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि फ्रिज में बहुत सारा हमारा खाना या चीज़ें पड़ी रहती है। तो जब हम अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे तो घर में शायद बीमारियाँ रहती हैं, तो ये बीमारियाँ ना रहे इसलिए बस हर किसी को साफ़ करते रहना चाहिए। मैं अकेले ही नहीं, लेकिन हर कोई अपनी तरह अपने घर की साफ़ सफाई करता ही रहता है। तो आज मैंने भी सोचा कि चलिए आज मेरे पास थोड़ा फुर्सत का टाइम है तो मैं जल्दी से ये काम निपटा लेती हूँ, फिर बाद में कर रसोई बना। ये ज़ोरदार बारिश आ रही है ये नवरात्रि में भी। अभी देखिए नींब, केला खाने में भी इतना ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं होता है उसकी, सिर्फ वो छिलका होता है वो भी काला होता है। नींब भैया अच्छा ही होता है केला, वो आजकल ज्यादा गर्मी भी पड़ रही है तो देखो ये डांस। अभी तुझे गोल किल का चूरमा खाना है या नहीं? गोल की तो भी मैं बना दूं फटाक से, फिर मुझे एक रोटी का। अच्छा, हमारे नीव भैया का तो ये फन फतूर चलता रहेगा कि केला खाना है, केला अच्छा नहीं लग रहा है, केला खाना है नहीं, अच्छा नहीं, उसकी जो छिलका होता है वो काला हो है थोड़ा, तो उसे लगता है कि वो ज्यादा पक गया है या उसमें से कुछ खा लिया। हाँ, वो तो कितना कहने के बाद। तो ये सब है, अभी गुड़ घी का चूरमा भी बना देती हूँ। और आज पहले माता जी का गरबा कर लिया और अभी खाना पका रही हूँ। तो आई थिंक 7:15 बज चुके हैं, 7:15, 7:30, तो अभी खाना पका लेती हूँ फटोफट से। फिर आज कुछ गरबा में जाने का कुछ प्रोग्राम है नहीं, बनेगा तो आपको दिखाऊंगी। और नी भैया तो हमारे कल भी गए थे और आज भी जाएंगे, क्योंकि कल तो रोने लगा था जाने के लिए, तो आज भी जाएगा। ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो नी, बताओ, लग जाएगी मुझे। क्या क्या हरकतें कर रहा है पता नहीं, अभी मैं तुझे मारूंगी। आ इधर आ, तेरी बारी।
अभी शैतानी शुरू है इसकी, और उसे आज गरबा खेलने 6:30 बजे जाना था और मैंने नहीं जाने दिया, इसलिए ये सब कुछ चल रहा है। मैंने बोला 6:30 बजे कुछ होता नहीं है गरबा ये कुछ, क्योंकि गरबा यहाँ तो हम खेलते हैं तो आई थिंक 9-10 बज जाते हैं। तो अभी नीव को गरबा खेलना था 6:30 बजे, तो अभी मैंने यहाँ हमारी ये देखिए तावड़ी रख दी है रोटला बनाने के लिए, तो अभी उसका तो चलता ही रहेगा। मुझे पता नहीं क्या कुछ कहना होता है, कह देती हूँ कुछ और। और अभी ये देखिए ये भी मुझे खोलनी पड़ेगी बारी भी, तो अभी जाऊँगी गरबा खेलने तो आपको दिखाऊंगी। और नीव को मैं मोबाइल नहीं देती इसलिए वहाँ कुछ अपना शूट नहीं कर पाता, लेकिन कल को विजय को भी वहाँ पानी, हमारे दूसरे वाला खेत है वहाँ पानी चल रहा था खेतों में, तो दोनों जगह रहना पड़ रहा था नीव के पास वहाँ, तो वो भी कुछ अच्छे से शूट नहीं कर पाए। लेकिन अगर आज वो गए तो मैं विजय को बोलूँगी कि नीव का थोड़ा बहुत हमें जो वीडियो क्लिप है वो निकाल के दे, आज मेरा तो कुछ अता पता ही नहीं है जाने का, क्योंकि आज किसी को मैंने बोला भी नहीं और मुझे अकेले अकेले जाना अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा जिद करेगा तो देखा है। लेकिन हम जाएंगे 1-2 दिन और बाद, तो अभी चलिए खाना जल्दी से पका लेते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे को चूरमा खाना है, और तब उसके पहले मैंने बहुत सारा नाश्ता किया था, फिर भी भूख लगा था, तो मैंने कहा मम्मी चूरमा कर दो, और वो चूरमा करने बैठी, तब मैंने केला खा लिया तो भूख मर गई। तो मैंने कहा तो अब जब हम खाएंगे ना, ये अभी जो हमारा बन रहा खाना वो बनेगा ना, तब मैं गोल घी का चूरमा खाऊंगा, तब मैं अभी खाऊंगा। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको मम्मी क्या खा रही है। लज की तला रोज की तरह मम्मी रोटला बनाएगी और क्या करेगी। अभी मैंने दोस्तों को दिखाई था कि मैंने कैसे कुछ कुछ रख दी है, अभी ये क्या है।